हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हिस्ट्री या पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल बेसिकली इज ए टेबल इन विच प्योर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड। इसमें जो होता है, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट जिनकी डिस्कवरी हुई उनको क्लासिफाई किया गया और एक प्रॉपर वे में उसको अरेंज किया गया ताकि उनकी स्टडी जो हो जाए ईजी हो जाए। तो एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन था डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्टों ने किया था, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्टों ने दिया था। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो थे लेवोइजियर, जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया था इन 1789 में। इन्होंने ये बताया था जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को उन्होंने दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया। पहले ग्रुप को उन्होंने बोला मेटल और दूसरे को बोला नॉन मेटल्स। जो मेटल के जो लक्षण होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को ईजिली डोनेट कर देते हैं। तो ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज बियर करते हैं। तो बोल सकते हैं ये जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। ये अगर एग्जांपल में देखा जाए, सोडियम जो होता है एक मेटल होता है जो कि ईजिली एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है और खुद एक स्टेबल एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। तो ये सोडियम जो होता है लेवोइजियर के अकॉर्डिंग क्या थे, मेटल थे। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। दूसरा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो इनके ऊपर जो होता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए इनको जो होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स जो कि नॉन मेटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, अगर फ्लोराइड आयन है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा जो कि एक नॉन मेटल है, तो ये जो हो जाएगा एफ नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार ना हमने देखा कि लेवोइजियर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया टू कैटेगरीज में या टू ग्रुप्स में, एक को बोला गया मेटल, दूसरे को बोला नॉन मेटल्स बोला गया। तो एक लाइन इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट क्लासिफाइड एलिमेंट्स इंटू टू ग्रुप्स। वो थे मेटल एंड दूसरे थे नॉन मेटल्स। तो इस प्रकार से लेवोइजियर ने सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया था दो ग्रुप में, मेटल और नॉन मेटल में। तो लेकिन इस लेवोइजियर की कुछ इस क्लासिफिकेशन के कुछ लिमिटेशंस भी थी, इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस भी थी। तो लेवोइजियर ने एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल के में क्लासिफाइड किया था, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे उस टाइम पे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी ना मेटल कुछ उसमें प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज़ पाई जाती थी। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे फर्दर फिर खोजे गए जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती थी, जिसको बोला गया मेटलॉइड्स बोलते हैं उसको। तो मेटलॉइड्स की डिस्कवरी के बाद लेवोइजियर का जो क्लासिफिकेशन था वो फेल हो गया था। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स की जिनकी जो प्रॉपर्टी थे मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में पाई जाती है, इसे ये क्लासिफिकेशन जो हो गया वो फेल हो गया। तो इसके बारे में विकल्प हम लिख सकते हैं, देयर आर फ्यू एलिमेंट्स also known whose characteristics
lie between metal and non-metals. Or these elements are named as metalloids. These elements are these elements were named as metalloids. तो ये थे लेवोइजियर का क्लासिफिकेशन की कमी थी, क्योंकि जो उन्होंने बताया कि इस अपने क्लासिफिकेशन में बताया था कि एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में बांटा था, मेटल और नॉन मेटल कैटेगरी में बांटा था। तो लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी जो थी मेटल और नॉन मेटल दोनों से मैच करती थी, तो इसलिए इनका क्लासिफिकेशन जो हो गया फेल हो गया, या इस क्लासिफिकेशन की ये लिमिटेशंस थी या ड्रॉबैक था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स। अगर दूसरी थ्योरी देखा जाए, जो दूसरी थ्योरी थी वो दिए थे डोबेराइनर ने, इसको बोल डोबेराइनर्स ट्रायड सिस्टम बोला जाता है। डोबेराइनर ने क्या किया, एलिमेंट्स को ग्रुप में बांटा, और उस ग्रुप में डोबेराइनर ने एलिमेंट्स को ग्रुप में बांटा, और प्रत्येक ग्रुप में उन्होंने क्या किया, तीन एलिमेंट्स को रखा एटॉमिक वेट के एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया इन्होंने। तो उन्होंने ये बताया कि तीन ग्रुप्स को, सपोज ए बी और सी, तीन एलिमेंट्स को उन्होंने का एक ग्रुप बनाया, इन्होंने ये बताया जो मिडिल एलिमेंट्स हैं उसका जो एटॉमिक वेट होता है या एटॉमिक वेट होता है वो इन दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का एवरेज होता है। तो इन जो डोबेराइनर का यही ट्रायड सिस्टम है, इन्होंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में एलिमेंट्स को बांटा और हर ग्रुप में तीन एलिमेंट्स को रखा, और जो मिडिल वाला एलिमेंट्स होगा, जो मिडिल का जो एलिमेंट था ये, इसका एटॉमिक वेट जो है इन दोनों एटॉमिक वेट्स का एवरेज होता है। तो इसमें हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, दे क्लासिफाइड एलिमेंट्स इंटू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। और दूसरी बात इन्होंने ये बोला कि जो ग्रुप्स में डिवाइड किया था इन्होंने, ईच ग्रुप कंटेन्स थ्री एलिमेंट्स, ईच ग्रुप कंटेन्स थ्री एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो इन्होंने एक ग्रुप में तीन एलिमेंट्स को रखा और उसको जो अरेंज किया वो एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में इसको अरेंज किया। और तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला था, द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट of
मिडिल एलिमेंट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो इन्होंने तीन पॉइंट दिए थे अपने क्लासिफिकेशन में। इन्होंने ये बताया था एलिमेंट क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। दूसरा पॉइंट ये बोला था कि ईच ग्रुप कंटेन थ्री एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब प्रत्येक ग्रुप में तीन एलिमेंट्स होंगे और वो जो अरेंज किए जाएंगे वो एटॉमिक वेट या द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किए जाएंगे। और तीसरा पॉइंट ये था कि द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। कि जो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट या द्रव्यमान होगा वो पहले और तीसरे एलिमेंट के का एवरेज होगा। तो इस चीज़ को हम लोग एज ए एग्जाम्पल समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेके हम लोग अगर ट्रायड सिस्टम को देखते हैं तो यहाँ पे सपोज अगर हम ले लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 7 होता है, सोडियम का जो होता है वो 23 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं तो जो मिडिल में एलिमेंट इसका है ये कौन सा एलिमेंट है, वो सोडियम है। सोडियम को इसका मिडिल में रखा गया है। अगर हम लोग इन दोनों के वेट का एवरेज निकालें तो कितना आएगा, 7 + 39/2 बराबर हो जाएगा 46/2 तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 23। यहाँ पे देख सकते हैं तो जो बीच वाले एलिमेंट है सोडियम जो है जो इसका एटॉमिक वेट है वो 23 है। ये इसको क्या किया था इन्होंने, ग्रुप्स में बांटा था ऐसे। या दूसरा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, अगर सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ये पहला एग्जांपल है। अगर एग्जांपल सेकंड हम लोग देखते हैं क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ले लेते हैं। जैसे हमको पता है क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 35.5 होता है, ब्रोमाइड का जो हो जाएगा वो 80 हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे और फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे और आयोडीन को 127 हो जाएगा। अगर इसका वेट निकाला, एवरेज वेट निकाला जाएगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, एटॉमिक वेट्स को जोड़ दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 35.5 + 127/2 तो ये आ जाएगा 81.2 अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा इसकी। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, डोबेराइनर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया था ग्रुप्स में और इस ग्रुप में तीन एलिमेंट्स को रखा था और ये बताया था जो मिडिल का एलिमेंट होगा, जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक वेट होगा इन दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का जो हो जाएगा वो होगा एवरेज होगा। इस प्रकार से डोबेराइनर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अच्छा डोबेराइनर के लिमिटेशंस की बात की जाए कि क्या कमियां थी कि इसको रिजेक्ट किया गया।